गुड मॉर्निंग टू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं और डिस्कशन करते हैं हम जरा इस नई वैकेंसी का जो बहुत सामने हमारे है तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे के हम इस KBS के के सिलेबस डिस्कशन का ऑलरेडी एक पार्ट ले चुके हैं उस पार्ट में मैंने सब बच्चों को बताया था कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है है ना बीएड आपको कहाँ पे चाहिए या फिर डीएलएड एल एड कहाँ पर चाहिए या फिर क्या बीएड वाले पी भर सकते हैं या नहीं या फिर सी हमें बेसिकली क्या अपियरिंग उसमें जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते इसके लिए हमने पार्ट वन बनाया था आज मैं फिर आपसे डिस्कशन के लिए हूँ इस के वी एस एंड पी के लिए जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अगेन का, काफी बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं बेसिकली उनकी कैटेगरीज को लेके यानी कि एस सी एस टी एटसेट्रा में अगर वो आते हैं उनको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो बच्चों सबसे बड़ा रिलैक्सेशन तो यहाँ पे आपके एज का है वैसे वुमेन के लिए अगर हम देखें तो अगर आप मैक्सिमम एज ग्रुप से में दी गई तो उस एज में टेन इयर्स का रिलैक्सेशन ऑलरेडी है तो कोई मैटर की बात ही नहीं है वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आसानी से इसको वर्कआउट कर सकते हैं इसमें जी ठीक है ऋषि ऑलराइट जी गुड मॉर्निंग सुभाष राहुल फाइन वेरी फाइन रूबी श्वेता बिल्कुल तो आसानी से उसको कर सकते हैं मेरा मींस कहने का ये है कि यही चीजें हम यहां पे देखेंगे अभी मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूं कोई क्वेश्चन आपके मन में हो या फिर कोई और बात हो तो आप उसको ले सकते हैं पीजीटी का हाँ पीजीटी का भी है टीजीटी का भी पीआरटी का भी राखी तो आप यहां पे देखेंगे कि ये हमारा वर्क है हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वी हैड गोन थ्रू दिस ग्रामर के पार्ट को हम ऐसे देखने वाले हैं है ना और अगर हम सेकेंड पार्ट पार्ट को देखें यहां पर टीजीटी के लिए तो एटी मार्क्स में आप क्या क्या देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश हिंदी अवेयरनेस और बाकी आपकी परस्पेक्टिव ऑन द एजुकेशन लीडरशिप है ना ये अगर हम देखें तो पेडोगोजिकल पार्ट है आपका क्रिएटिंग कंडीशन लर्निंग एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग और ये अक्सर आता ही है आपके डीएसएस में भी है यहाँ पे मतलब कहने का है कि सिर्फ टॉपिक बदले हैं टॉपिक का मतलब है कि टॉपिक का नाम थोड़ा सा वेरी कर रहा है बाकी चीजें वही हैं बाकी कुछ भी वेरी नहीं करता है यहाँ पे अब यहां देखिए देखें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है हंड्रेड मार्क्स का है ना पीआरटी में आप देखते हैं कि जो जो सब्जेक्ट हैं आपके वहां पे सारे के सारे हैं लेकिन यहां पे जो है ये टीजीटी वाले में सब्जेक्ट आपका जिसको हम कहां पे डिस्कशन कर लेते यहां पे डिस्कशन कर लेते अब इनको आपको देखना है बच्चों इसके लिए बेसिकली आई हैव गॉन थ्रू कि आप सिक्स से लेके टेन तक की 6 से लेकर तक की जितनी भी एनसीआरटी है उनको ध्यान से देखेंगे उसमें सारे वर्क्स आपको मिलेंगे से लेके एनसीआर है मैक्सिमम वर्क्स वहां पे दिए गए हैं बट सबसे बड़ी बात है कि सिक्स टू टेंथ की एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी क्या है क्वेश्चन बेस्ड है भाई वहां पे कैसे क्वेश्चन है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और वहां पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्होंने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को एक डिस्क्रिप्टिव के रूप में देखा है तो बच्चों वहां से अगर आप निकालेंगे इसको बड़ा मुश्किल होगा यानी वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं शो किया गया है कि यहां पर कौन से लिटरेरी डिवाइस है आपके क्या लिटरेरी डिवाइस है या फिर यहां पर क्या उसका आइडिया है या फिर क्या सब्जेक्ट मैटर है? है ना या फिर वो पर्सन किस एज से है बहुत कम ऐसा मतलब यहां पर डिफाइन किया गया है थोड़ा थोड़ा जो दिया गया है वो उनकी बायोग्राफी को लेके दिया गया है लेकिन उससे चीजें पूरी कंप्लीट नहीं होती फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात देखूं आपकी एक बार चेक करते हैं इसमें कौन सा वर्क कल्पना चावला है डिफरेंट काइंड ऑफ द स्कूल्स देखो मैंने कुछ वर्क उसमें देखे जो मैं आपसे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं टेल ऑफ द टूबर्स फ्रेंडली मैंगूज मंकी एंड द क्रोकोडाइल ओके पैक्ट ऑफ द एलियन बेस्ट क्रिसमस ट्री इन द वर्ल्ड फन डे ओकेटर टू द गॉड न मंडेला ग्रामर ओके ये ग्रामर पार्ट है हमारा अनसीज ठीक है ये पीडीडी वाला पार्ट है आई थिंक मैं पीडीडी वाले कुछ पार्ट के थ्रू जा चुका हूं आई हैव गॉन थ्रू दिस बिल्कुल सही है ये जो वर्क है बच्चो आपके इनमें से कुछ वर्क हमने देखे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल थिंग ऑफ ब्यूटी अ थिंग ऑफ ब्यूटी अगर आप इसमें देखें तो आई हैव गॉन थ्रू द थर्ड लेवल द थर्ड लेवल अगर हम बात करें द टाइगर किंग टाइगर किंग ऑबियसली आई हैव गॉन थ्रू जर्नी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ द एनिमी राइट बच्चों ये वर्क में मैंने देखे और जब इन वर्क को देखा तो इन वर्क को देखने के बाद एक बात समझ में आई कि जैसा उन्होंने एनसीआरटी में दिया है वहां पे आपको इसका टेक्स्ट मिलेगा यह बात तो पक्का है अगर उस टेक्स्ट को आप बढ़िया से तैयार करते हैं तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होंगे लेकिन हां उसको आपको क्रिटिकली लेके चलना पड़ेगा या, यानी वहां पे जो टर्म्स है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि उन टर्म्स को वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा और वो भी कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टेक्स्ट पे बेस्ड इन्हीं एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वुड बी देयर एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस राइट बच्चों ओनली चैप्टर या राइटर भी इनके साथ में बिल्कुल राहुल मैं बता दूं कि राइटर भी पूछेगा मतलब वो पूछेगा कि ये पर्टिकुलर वर्क तो राइटर्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे साथ में क्योंकि आप जानते हैं जब यह एनसीआरटी बेस कर दिया गया है तो हंड्रेड वो आपसे राइटर भी पूछेगा कि भाई इस पर्टिकुलर वर्क जैसे यहां पर वर्क है Thing ऑफ ब्यूटी तो पूछेगा ये पर्टिकुलर वर्क कहां से आया अब मैं थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाता हूं हाँ ये सब वर्क के नेम है रूबी exactly. जैसे बच्चों इसको देखो Thing ऑफ ब्यूटी अब आपको समझना पड़ेगा अगर मैं कहूं जॉन कीट्स का है ये किसका है बच्चो ये जॉन कीट्स का वर्क है अब जॉन कीट्स कौन है ही इज अ रोमेंटिक रोमेंटिक पोएट लेकिन मैं आपको बता दूं जब हम डीएसएसबी यूपी एक्सेट्रा की तैयारी करे थे हमने कभी नहीं पढ़ा है। आपको थिंग ऑफ ब्यूटी हाँ एक लाइन में एक कोटेशन में जरूर आता है इसका मीन उनका है ही नहीं ये बच्चों जो लिया गया है ये कहां से लिया गया दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एंडीमियन अब यहां पे बात बनती है एंडीमियन एक जबरदस्त वर्क था दैट हैज बीन रिटन बाय जॉन किड्स एंड हैड बीन डेडिकेटेड टू चैटरटन ये बात हमने वहां पे की थी तो इस चैप्टर के को डेडिकेट किए गए एंडीमियन से ही इन्होंने इस वर्क को मतलब वहां से कुछ पैराग्राफ स्टार्टिंग वाला ले लिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ अर एवर है ना उसी पे लगभग लगभग कितनी लाइंस है वहां पे थर्टी फोर्टी के अराउंड लाइंस है उन लाइंस को इन्होंने लिया और इसको एक चैप्टर बना दिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी अब इसी को ये यहां पर क्या करते हैं अगर मैं थिंग ऑफ ब्यूटी के प्रोटेगोनिस्ट की तरफ जाऊं तो बच्चों ये कौन है एंडीमियन है एंडीम इज द प्रोटेगोनिस्ट राइट बच्चो और यह प्रोटेगोनिस्ट लव में पड़ जाता है यह कौन है पूरी कहानी को देखना है उसमें आने वाले टेक्स को देखना है टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आपको बहुत ज्यादा वर्क ऐसा नहीं कि जोन किड्स को पूरा पढ़ना है जोन किड्स के थिंग ऑफ ब्यूटी को इसको आपको कंप्लीट देखना है वहीं से आपकी लाइंस होंगी वहीं से आपका टेक्स्ट होगा और 100 परसेंट उम्मीद है कि यहां पे जो आने वाले कोटेशन हैं, उनको भी वो यूज करेगा तो इस तरह से आप इसमें अपना एक नेक बना सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी एंडीमियन अब बच्चों जैसे इसमें आते जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं पॉइंट को मैं एक पेज यहां पर पे ले लेता हूं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से देखो येस्टरडे आई हैड गोन थ्रू दिस वर्क वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ क्योंकि पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अब ये जो वर्क है इसमें बेसिकली राइटर क्या करता है अब आप इस पूरे अर्थ को देखो ये पूरी अर्थ देखो अर्थ को जब आप देखेंगे तो इसमें पूरा ग्लोब आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है है ना इंग्लैंड है यहाँ पे ये पूरा यूरोप है इधर हमारे अफ्रीका है ये पूरा एशिया है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है आप देखो ऊपर की तरफ क्या है यहां पे ऊपर की तरफ है नीचे है आर्कटिक ओशियन जहां तक मुझे याद है मतलब भी, भी ग्लोब नहीं देखा मैंने लॉन्ग टाइम से और ये बच्चों क्या है एंटार्कटिका है ना एंटार्कटिका तो ये बेसिकली क्या करते हैं एंटार्क्टिका पे जाते हैं है ना इनका एक मिशन है 52 स्टूडेंट्स टीचर ने साथ में लिए हैं पोएट यहां पे है और वो क्या करते हैं कि दे टेक द 52 टू स्टूडेंट एंड टोटल वन टू द अंटार्कटिका ये एक बच्चों क्या है एजुकेशनल टूर एजुकेशनल टूर है यहां पे है अंटार्कटिका है आर्टिक है हां बिल्कुल यही है गेटिंग बच्चों हाँ, जो जिस, जिस से रिलेटेड है राहुल उसी से हमें करना होगा ये बेटा पीजीटी का है ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पीजीटी का है मतलब ऐसे ऐसे वर्ग्स हैं अब आप चाहे उसे पीजीटी में लो टीजीटी में डज नॉट मैटर एट ऑल लेकिन टीजीटी के सारे के सारे अलग हैं क्योंकि वो सिक्स से लेके तक के 10 हैं और इलेवन ट्वेल्थ आपकी पीजीटी में है यानी अगर पीजीटी में मैं कहूं तो आपको सिर्फ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ मिलेगी ठीक है बच्चों

जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी दूरी के वो कैसे कैसे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को वहां पे देखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे इनको अफेक्ट कर रही है मतलब कहने का ये है उनके इंपैक्ट ऐसे हैं कि जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम अगर ग्लोबल वार्मिंग की यहां पर बात करें कि भाई ग्लेशियर्स पिंगल के टूट के गिर रहे हैं तो हमें यहां बैठे हुए तो लगता है कि अरे गिर रहे हैं तो गिरने दो तो गिर तो लेकिन बच्चों द टाइम यू आर देयर जब आप उस जगह पे होते हैं वो गिरते हैं और वो पिघलते हैं फिसलते हैं तो आपको पता चलता है कितनी बड़ी चीज हो रही है मतलब वट वी हैव डन तो वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है वहां पे जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैं सी एनिमल्स हैं मरीन एनिमल्स हैं उनको आपको देखने का मजा ये या कैसे कैसे उनकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन बींग का वहां पे कैसे रिलेशन है ये सारा कुछ है तो ये सब आप कहां पे देखेंगे इस वर्क में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वो भाई आपसे क्वेश्चन बना के पूछते हैं एंड ऑफ द अर्थ बेसिकली है किस जगह पे क्या इसका है वहां वहां पे पे क्या क्या वहाँ पे टर्म्स यूज ये सारी आपकी देखी जाएंगी तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पर बनने वाले हैं इसी तरह से ये द एनिमी बड़ी जबरदस्त लगी ये द एनिमी बच्चों जब मैंने देखा तो इट इज अ वेरी फैंटेस्टिक स्टोरी मतलब क्या होता है यहां पे समथिंग करके एक डॉक्टर है जैपनीज डॉक्टर और उस डॉक्टर के पास में क्या होता है, है, है. है, तो है, रह है कि अमेरिकन वहां पे एक बह के घायल सोल्जर आ जाता है और वो सोल्जर कौन है अमेरिकन तो अमेरिकन जैपनीज के दुश्मन है पर्ल हार्बर वाली घटना देखो आप वर्ल्ड वॉर में जबरदस्त लड़े थे है ना हिरोशिमा नागासाकी की तो उसी को शो किया गया इसका मतलब कौन है वॉर पोएट है उसने बच्चों वहां पे क्या दिखाया यहां पे हां बेटा ये ये उसी में है राहुल वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सारा उसी में है वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं तो वहां पर क्या होता है कि वो जैपनीज डॉक्टर जब उसे देखता है उसको पलट के देखता है क्योंकि वो नीचे गिर गया है बाहर निकल के नीचे गिर गया है मिस्ट है वहां पे फोग है तो वो देखता है अमेरिकन सोल्जर है और कितना अमेरिकन सोल्जर सत्रह अठारह साल का मुश्किल से तो अब उसके मन में दो चीजें आती हैं दुश्मन भी है लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है एज अ डॉक्टर उसे बचाने की की यही भयंकर जो एक स्ट्रगल उसके माइंड में चलती है ये पूरी की पूरी इसमें दी गई है कैसे उसकी वाइफ कहती है नौकर भाग जाते हैं ये कह के कि भाई तुम दुश्मन को घर में पाल रहे हो लेकिन एज अ डॉक्टर उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं उसको साफ करके घर में ले जाकर उसका ऑपरेशन करता है क्योंकि उसे गोली लगी हुई है तो जो स्ट्रगल चलती है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ उस डॉक्टर उसकी पत्नी के बीच में के मतलब इसको मार देते हैं, भगा देते हैं हैं भगा शूटर बुला लेते हैं ये वो सारा उसमें दिया गया है फाइनली वो क्या करते हैं उस सोल्जर uh, को जाने देते हैं और वहां पे एंडिंग बड़ी जबरदस्त है तो आप इसे पढ़ेंगे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे मतलब जबरदस्त कहानी मजेदार कहानी और उसी कहानी पे आपके क्वेश्चन आने हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि बेसिकली मुश्किल तो नहीं होने वाला है लेकिन हाँ इसको आपको बड़ी ही अलर्ट होके लेना पड़ेगा अलर्ट होके चलना पड़ेगा ऐसे ही आपके वर्क बच्चों, टाइगर, 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 मार तो टाइगर मारने के बाद टाइगर को खत्म करने लगता है नाइनटी नाइन टाइगर को वो खत्म कर देता है, है ना? लेकिन लास्ट में फिर भी उसकी डेथ किससे होती है टाइगर से ही ये कहानी किसकी है टाइगर किंग थर्ड लेवल बड़ा जबरदस्त है इल्यूजनरी है पर्सन अपने पास्ट में जाना चाहता है मतलब रेलवे स्टेशन के ऊपर सिर्फ दो ही लेवल हैं लेकिन वो थर्ड लेवल पे घूमने लगता है सबको बताता है कोई यकीन नहीं करता लेकिन वो अपने आप में घूम रहा है वहां पे अब ये थर्ड लेवल कौन है कहां है कैसा है ये मिस्ट्री है इस वर्ग की द थर्ड की बाकी बच्चों आप इसमें सारी चीज इसी तरह से देख सकते हैं मीन्स मेरे कहने का यह है कि मुश्किल नहीं है बट हां इसको नए तरीके से आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से टीजीटी हो या पीजीटी हो इस एनसीईआरटी वाले वर्क को आपने पिछली किसी भी क्लासेस में नहीं किया थोड़े बहुत बहुत को छोड़ के मतलब अगर हम थोड़ा बहुत देख लें जैसे, जैसे हमारा वर्क है बच्चों माई मदर एट सिक्सटी सिक्स ये कमला दास का वर्क है तो इसके लिए कमला दास को आपको पढ़ना पड़ेगा अब अगर कमला दास को आपने पढ़ लिया बाकी तो वर्क बच गए ना वे सारे आपको देखने हैं तो इसी के लिए कोशिश की जा रही है कि एक बैच आपके लिए हो और ये बैच बच्चों आजकल में अनाउंस होने वाला है होप सो के आज नहीं तो कल आ, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी एंड वी वुड बी डूइंग दैट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोहित बुक के अकॉर्डिंग नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब बुक्स उठानी है और ये सिलेबस है आपका सामने ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चों जो सिलेबस आप यहां पे देख रहे हैं ये सारा वहां पे है लेडी वी आर नोट ऑफ रेड वी कैन बीट पे आने वाली है पैसेज का पार्ट है, ये ये है और देखो टीजीटी ती वाला टीजीटी ती वाले कितने सारे वर्ग है ये ग्रामर का पार्ट है तो बाकी ये सारे के टाइगर जू दर्मन ऑफ द बनारस एक्सेट्रा ये सारे देखने हैं आपको हाउ टू कैमल गो विद द हम चिल्ड्रन नेटवर्क सेल्फिश जाइंट ये बच्चों आपको मतलब कहने का यह कि आप थोड़ा भी नहीं कह सकते ये नहीं कह सकते कि हाँ वो हल्का वर्क है कम है हाँ एक नई स्ट्रेटजी के साथ अगर आप करते हैं इस पर टाइम देते हैं इस पर लगाते हैं इसको क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं भाई जैसे हमने एक एक टर्म को देखा है डीएसएसबी के लिए यूपी टीजी पीडीटी के लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है तो इसमें आने वाली क्योंकि इसमें ज्यादातर मॉडर्न राइटर्स हैं इसमें बच्चों क्या है बात के मॉडर्न राइटर्स ज्यादा हैं अमेरिकन हैं ब्रिटिश हैं इंडियन हैं इवन है, 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 है यहाँ पे लेसन को कैसे पढ़ें बेटा बुक्स में लेसन को पढ़ने का है कि उसकी पूरी समरी आपको देखनी पड़ेगी उसके जो वर्ड्स है उनको और टर्म्स को आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक दो वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिया है अच्छा अच्छा ठीक है ओके okay, डन कोई बात नहीं है एनहांस योर स्किल्स ठीक है बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं वही पीछे वाला जो फिफ्टीन हंड्रेड या टू थाउजेंड की रेंज में होगा ये उम्मीद की जा रही है करेक्ट बच्चों तो क्या किसी बच्चे की कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं इसमें मेरा मन था क्योंकि बच्चे पूछते और बाकी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो आपकी कैटेगरी है जैसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों के कैटेगरी को लेके भी हैं ये यहां पे कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये वाला बच्चों ये आई थिंक बहुत छोटे में है आपको दिख नहीं रहा होगा ये पेज वन ये वन पेज है एक पेज है अगर आप कुछ भी एलेबोरेटिव चाहते हैं अगर कुछ भी लेबोरेटरी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया है आज तो आप इसमें भी पूरा देख सकते हैं अपनी कैटेगरी से लेके में क्या आपको छूट दी गई है या फिर क्या चाहिए या फिर क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर कोई भी ऐसा टिपिकल पॉइंट छूटता है तो आप इसको देख सकते हैं तो इसको वहां से डाउनलोड कर ले बाकी ये अवेलेबल है आपके लिए आप इसको बड़ी असा... से देख सकते हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको यहां पे बेसिकली सिलेबस चाहिए तो भी आपको यहां पे मिल जाएगा वो पूरा इलेबोरेट करके दिया गया है एमए का परसेंटेज कितना है बेटा फिफ्टी परसेंट है एमए का परसेंटेज परसेंटेज आपकी फिफ्टी परसेंट ही है सब में जिन और बच्चों ने पढ़ा है वो भी कंफर्म करें कि फिफ्टी परसेंट ही हमने देखे हैं वहां पर फिफ्टी परसेंट आपका होना चाहिए बाकी पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सीटेट की बाध्यता नहीं है आपकी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनसीआर हाँ, टी वेबसाइट से भी ले सकते हैं बिल्कुल बुक्स वहां पे अवेलेबल हैं अब जो NCRT है वो बच्चों फ्री में भी अवेलेबल है। बस आपको साइट ढूंढनी होती है सेपरेट रखना बैच में अच्छा बिल्कुल राहुल बिल्कुल सेपरेट रखेंगे फिक्र मत करो ये सेपरेट अपने आप ही हो जाएगा उसका रीजन सबसे बड़ा है कि टीजीटी के अलग है वर्क और पीजीटी के अलग वर्क हैं सिक्स टू मैंने सब बच्चों को बता भी दिया है इस बारे में ये हमने बच्चों आपको बता दिया है कि टीजीटी वाले में टीजीटी में आपका जो एनसीआरटी है सिक्स टू टेंथ है जबकि बच्चों जो पीजीटी आपका होगा यह जो पीजीटी वाला होगा इसमें जो आपकी एनसीआरटी होंगे वो इलेवेंथ से लेके ट्वेल्व तक की है ठीक है जी तो वो सारा अलग ही हो जाएगा ग्रामर को बस आप कॉमन पढ़ेंगे क्योंकि ग्रामर में ऐसा नहीं होता कि मतलब इसको छोड़ हाँ कुछ टॉपिक अलग है में, जो पीडीटी वाले हैं उनको आप अलग से लेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल लेवल का एग्जाम है बिल्कुल रूबी ऑल राइट तो होप सो कि आप इन चीजों को समझ पाए हैं सुपर टेट में जो आपसे इंग्लिश पढ़ा था उसमें से हो जाएगा सुपर टेट में बेटा हां लेट्स डू विद मी मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट में आप जो पढ़ते हैं वो राइटर्स और ये राइटर्स ये तो ये डिफरेंस है आप एक बार सिलेबस को मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया अभी भी डिस्कस किया है वहां पे चीजें ब्रिटिश से ज्यादा हैं यहां पर चीजें मॉडर्न से ज्यादा है और राइटर्स के वर्क हैं वहां पे राइटर्स हैं यहां पर वर्कस हैं ये डिफरेंस आपका बनेगा तो मैं ये कहूंगा कि उससे कंप्लीट नहीं हो सकता है एलिजिबल हूं तो प्लीज चार्जेस हाँ वो चार्जेस तो एफोर्डेबल ही होते हैं पंद्रह सो या दो हजार पंद्रह सो का होगा मेरे ख्याल से शुरू में जो आएगा आपका बैच तो मुश्किल की बात है ही नहीं बच्चों के लिए इंग्लिश टीजीटी क्वेश्चन किस तरह से आएंगे गरिमा बेटा अभी अभी डिस्कस किया है जो वर्क्स है आप इसको वीडियो को शुरू से देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके उन्हीं वर्क्स में से यहीं से बनेंगे टेंथ की है तो लेवल ग्रेजुएशन तक एक्चुअली टेंथ की है ग्रेजुएशन का लेवल इसलिए कहा कि वो ग्रेजुएशन के लेवल तक के ही लिए पूछेगा आपसे टीजीटी लेवल का पूछेगा उसी वर्क को टीजीटी लेवल तक बना के पूछेगा ऐसे समझ लो अच्छा पीआरटी के लिए बेटा पीआरटी के लिए बिल्कुल पढ़ा है लेकिन चीजें अब थोड़ी सी चेंज हैं वो देख लेना right, बस आप तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहूंगा इसमें केवीएस का पीआरटी के लिए अंशिका शुरू हो चुका है बैच आप देख सकते हैं करियर बिल पे बैच ऑलरेडी आ चुका है so, सो राइट right, बच्चो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम